गिल्लू पाठ महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। इसमें महादेवी वर्मा जी गिल्लू नाम के एक छोटे से गिलहरे के बच्चे की बात कर रही हैं, जो एक लघु प्राण यानी छोटा जीव था और जो अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित अनादरित अति सम्मानित अति अवमानित। लेखिका कहती हैं कि कौवा जो है उसे आदर भी करते हैं और उसका अपमान भी किया जाता है। दोनों बार हम उसे अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। जब हमारे श्राद्ध पक्ष वगैरह आते हैं तो हम कौवे का सम्मान करते हैं, अन्यथा हम उसका अपमान करते हैं। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। यानी कि हमारे जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, वो श्राद्ध पक्ष आने पर काक कौवा बन कर के आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। जब कोई मेहमान आने वाला होता है तो कौवा बोलने लग जाता है, उसी का संदेशा लेकर के कौवा भी आता है। इस प्रकार से लेखिका यहाँ पर बता रही हैं कि कौवे का किस प्रकार से मेरे काक पुराण की विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। लेखिका को एक छोटा गिलहरी का बच्चा दिखाई देता है और कौवे उसे खाने वाले होते हैं। काक द्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह नहीं बच सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रख पहुँच कर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब गिलहरे का बच्चा थोड़ा ठीक होने लग गया। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, छपेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित करना यानी आश्चर्यचकित करना। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर के पुकारने लगे। उस बच्चे का नाम गिल्लू रखा गया। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूला झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्यचकित हो जाते थे। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता।
उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता। लघुघात यानी उसका शरीर। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। महादेवी वर्मा जी यहाँ गिल्लू को पालने का पूरा वर्णन बता रही हैं। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बन करके हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छुप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी एक को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाया, सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, खाद्य यानी खाना, और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका यानी सेविका, महादेवी जी की सेवा किया करता था बालों को सहला करके गिल्लू। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक नया तरीका खोज लिया था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में वह झूले से उतर कर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपट गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। मरणासन्न यानी मरने की जब उसकी स्थिति आ गई थी। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, यानी गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु
प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, यानी उसका अंत हो गया, मृत्यु आ गई, उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। परंतु गिलहरी की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही का पसंद आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुवात का किसी बासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। इस पाठ में लेखिका को सोनजूही के वृक्ष पर लता पर एक छोटा जूही का पीला फूल खिला हुआ मिलता है और उसे देख करके उसे अपने छोटे गिलहरी के बच्चे की याद आ जाती है, जो उसका पालतू गिलहरी का बच्चा होता है। और क्योंकि उस बेल के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई थी, इसलिए छोटे फूल को देख करके उसे विश्वास हो जाता है कि यह पीला फूल गिल्लू ही है और उसी के रूप में उसका लघुवात यानी छोटा शरीर उस बेल पर उगाया है।